पीयूष भैया आप बहुत ही ज्यादा गलत बात कर रहे थे हो। मतलब देखिए, फार्मेसी के लिए जो है आप वीडियो ही नहीं बनाते हो, इंजीनियरिंग के लिए भर भर के वीडियो आते हैं, पर फार्मेसी की जब बात आती है तब असल में जो है आप कंजूस गिरी करते हो, हमारे ऊपर जो है कभी वीडियो आती नहीं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो है आपको थोड़ी बहुत जो है मतलब मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि गलती असल में आपकी नहीं है, मेरी है। सच में जो है मैं फार्मेसी के लिए इतने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इन दिनों। ओके, तो पहले तो बहुत ज़्यादा बनाता था यार, पर इन दिनों जो है थोड़े बहुत जो है मतलब ज़्यादा ही कम कर दिए मैंने। ऑलमोस्ट जो है 1 से 2 ही वीडियो मिलेगी इस चैनल पर भी, पर अब से जो है पूरा ट्राई करूँगा मैं रेगुलर होने का, ठीक है। तो फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न कि भैया जो कुछ भी नई डेट्स आई है, या फिर मान लो कि जो कुछ भी नया जो कुछ भी चल रहा है कि एग्जाम वगैरह पोस्टपोन वगैरह हो गई है वगैरह वगैरह D.2 के अंदर, तो क्या हो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेबल है या फिर फार्मेसी के लिए भी? ओके, ये सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट के मन में, तो इस वीडियो में आइए उसको ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मतलब अभी मैं आपको सीधा लेकर चलूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ, और वहां पर जो फार्मेसी का भी सर्कुलर हमारे पास आ चुका है। ओके, और काफी ज्यादा स्टूडेंट ने ऑलरेडी हो देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो उन स्टूडेंट के लिए वीडियो में अपलोड वगैरह कर रहे हो फिर से एक बार, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और प्लीज हो सके तो अपने जो भी स्टूडेंट है या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह जो कि आपके साथ D.2 के अंदर फार्मेसी परसिविंग कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ ही वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि अपनी भी कम्युनिटी स्ट्रांग बने और मतलब आपको भी जो है टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। ओके, मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन आता है जब आप जो है ऐसे वीडियोस वगैरह शेयर करते हो, या फिर जो है सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, या फिर कोई डाउट वगैरह पूछते हो, तब मुझे भी लगता है कि हाँ किसी को तो भी अपनी ज़रूरत है, हमने जो है इसको हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो मैं उस प्रकार से जो है पूरी हेल्प आपकी करने की ट्राई पहले से ही करते आ रहा हूँ, आगे भी करते आऊँगा। और फिलहाल तो आप मतलब चलते सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ, आप ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद जो है फिर से एक बार फेस रिवील की तरफ आइए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते फेस रिवील स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर जो है हमारे पास आ चुका है सीधा मतलब D.2 की तरफ से, और जो कुछ भी एग्जाम कोऑर्डिनेटर है D.2 के अंदर डॉक्टर नरेंद्र एस यादव, तो उन सर ने जो है लेटर वगैरह जो है सर्कुलर वगैरह निकाला है। तो आप जैसे कि देख सकते हो लोगो वगैरह भी है, और मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लोने रहे। ओके, तो आप जैसे कि देख सकते हो, और डेट भी यहाँ पर आप देख लीजिए जो कि 16 दिसंबर आज की डेट है 2023, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, पर मैं जो है 16 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ जिस दिन है लेटर वगैरह आया है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरा कुछ ऑफिशियल लेटर है, तो कोई भी डाउट नहीं है आपके। अगर कॉलेजेस में बोल रहे हो कि एग्जाम वगैरह पोस्टपोन नहीं है, प्रीपॉन्ड ही है, जिस दिन पहले थी वहाँ पर ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं यार, मतलब उन कॉलेज को बता ही नहीं होगा ये बातें, या फिर जो है उन्होंने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन नहीं ली होगी, पर मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ 101% सही है, आप मुझे मुझ पर जो यकीन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ही देख लीजिए, क्योंकि मन से तो नहीं बता रहा हूँ आपके सामने जो कुछ भी लेटर वगैरह आया ऑफिशियल, वहाँ पर देखिए स्टैंप वगैरह भी है उनका एग्जाम कोऑर्डिनेटर का। ओके, तो ये तो कोई फेक नहीं बनाएगा ना यार, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो छोड़िए, सीधा जान लेती कि डेट्स वगैरह कौन से शेड्यूल है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, रीशेड्यूलिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री विंटर एग्जामिनेशन 2023। तो जो कुछ भी विंटर सेमेस्टर की एग्जामिनेशन उनको जो है रीशेड्यूल करने के लिए है लेटर वगैरह जो उन्होंने मतलब टेकआउट किया है, और यहाँ पर जो है मीटिंग वगैरह उनकी कंडक्ट हुई थी 15 तारीख को, और 15 तारीख को ही उनको मतलब उन्होंने जो है फिक्स कर लिया होगा कि हमको जो है ऐसा ऐसा करना है, और उसके बाद जो है सीधा 16 तारीख को उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया सुबह सुबह। ओके, तो यहाँ पर देखिए, विथ रेफरेंस टू अबाउ सब्जेक्ट एंड रेफरेंस द विंटर सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 अर्लियर शेड्यूल फ्रॉम 18 सितंबर 2023 अर्लियर, मतलब पहले शेड्यूल हुई थी 18 तारीख से, जैसे कि आपको बताया कि सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन। ओके, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड ईयर की थर्ड सेम। ओके, थर्ड सेम मतलब जो कुछ भी M3 वगैरह पेपर आपको दिया जाता है, फर्स्ट पेपर जो M3 का ही था। ओके, तो M3 का पेपर जो था वो 18 दिसंबर से जो है शेड्यूल कर दिया था, पर जब जाकर जो उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि 2023 फॉर इंजीनियरिंग के लिए जो ऐसा किया था, और फार्मेसी की अगर बात की जाए तो 26 तारीख को जो है फार्मेसी का फर्स्ट पेपर था, तो 26 दिसंबर से जो है फार्मेसी का जो है फर्स्ट पेपर था। ओके, पर फार्मेसी का देखिए उन्होंने आगे ये भी किया है कि इज नाउ रीशेड्यूल फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो यहाँ पर जो एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट के मन में क्रिएट हो चुका था कि एग्जामिनेशन असल में 26 को कंडक्ट होगी या फिर होगी 1 जनवरी को, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन वगैरह उन्होंने अच्छे खासा क्लियरली यहाँ पर कहा है कि नाउ रीशेड्यूल फ्रॉम January 1, 2024, मतलब 1 जनवरी से 101% जो है कन्फर्म है कि आपकी जो एग्जामिनेशन वगैरह होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर में इन्होंने मतलब क्लियरली बोला है कि जो कुछ भी अर्लियर शेड्यूल फ्रॉम 18 दिसंबर टू फॉर इंजीनियरिंग एंड दिसंबर टू 26
2023 फॉर फार्मेसी इज नाउ रिशेड्यूल फ्रॉम 1st of January 2024। जो कुछ भी साल का पहला दिन मतलब 1st of January को जो है एग्जामिनेशन वगैरह अभी कंडक्ट होने वाली है, और जो कुछ भी डिटेल टाइम टेबल वगैरह उन्होंने क्लियरली कहा है कि इस वाली वेबसाइट पर जो कि ये www.dbatu.ac.in इस वेबसाइट पर जो है जल्दी ही मतलब आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो उनका जो है लोगो वगैरह बना हुआ है, स्टैम्प वगैरह बना हुआ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कुछ भी मैं मुझे लगा कि आप तक जो है शेयर करनी चाहिए। तो ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप इसको आंखें बंद करके जो है ट्रस्ट कर सकते हो। सीधा ऑफिशियल लेटर डी बाटू की तरफ से जो है आ चुका है, सारे कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सर्कुलेट हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो मेरा काम है कि आप तक जो है मतलब जो कुछ भी रियल न्यूज़ वगैरह चल रही हो पहुँचा दिए जाए। तो ठीक है, तो मैंने आपको जो है बता दिया कि एग्जाम वगैरह जो है अभी पोस्टपोन हो चुकी है 1st of January से, इंजीनियरिंग भी और फार्मेसी दोनों की एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट होने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक कि अभी फेस रिवील की तरफ हमको जाना चाहिए। सो फार्मेसी के स्टूडेंट, सारे डाउट्स आई थिंक कि आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आपकी भी एग्जामिनेशन जो है सप्लीमेंट्री हो या फिर रेगुलर हो वो स्टार्ट हो जाने वाली 1st of January से, और तब से जो है मतलब आपके गोल्डन डेज या फिर गोल्डन आवर्स जो कुछ भी बोल सकते हैं नए साल पर कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं बाकी स्टूडेंट, और हम जो है एग्जाम देते हुए सेलिब्रेट करें कुछ नया करेंगे, ठीक है। तो आप भी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ब्लॉगिंग चैनल है यार अपना, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं बनाता हूँ, बहुत मेहनत करके ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो प्लीज़ हो सके तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों के अंदर दे दूंगा, प्लीज़ जाकर सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, ओके। तो सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है स्टार्टिंग फेज में, अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरत होगी ना एक यूट्यूबर का तो वो जरा सा सपोर्ट अगर आप करोगे तो सच में ही चैनल बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाला है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इसी आशा के साथ जो है जय श्री आराम बोल के जय वीडियो को एंड करता हूं। जय श्री आराम।